अपनी बहाली की मांग को लेकर उजरत भोगी अमीनों ने राजस्व सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान के सामने अर्धनग्न थाली बजाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे उजरत भोगी अमीनों ने कहा कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती प्रदर्शन जारी रहेगा, और अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे अनशन भी किया जाएगा। उजरत भोगी अमीनों ने कहा कि नियम के तहत हमारा नियोजन हुआ, हमसे कार्य लिया गया और 2019 में हमें नियमित करने का आदेश भी मिला था, फिर भी अभी तक बहाली नहीं हो पाई है, जबकि सरकार इसी पद पर अन्य बहाली करने जा रही है, जिसका हम उजरत भोगी। सबको बात जाइए, क्या मांगे हैं आप? हमारी मुख्य मांगे हैं बिहार विशेष सर्वेक्षण 2011 निम्नावली 2012 के तहत हम लोग नियोजन की सारी प्रक्रिया के तहत हम लोग बहाल हुए, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, सब परीक्षा के तहत और हम लोगों का अनुभव को छानने के बाद हम लोगों की बहाली ली गई। तत्पश्चात हम लोगों को कार्य कराता गया, हम लोग से अंचल में, बंदोबस्त कार्यालय में, विभिन्न विभिन्न कार्यालयों में हम लोगों से काम ली गई। उसके पश्चात मई 2019 के आसपास में आके विभाग द्वारा एक चिट्ठी जारी हुई जो सभी उजरत भोगी अमीनों से जो है सभी पेपर संरक्षित कर लिया जाए। उसके बाद हम लोग इस आस में बैठे हुए थे जो कल काम मिलेंगे, परसों काम मिलेंगे, तरसों काम मिलेंगे, लेकिन आज तक हम लोग को कोई काम नहीं मिला। उसी पद पर जो विशेष सर्वेक्षण कार्य हमने कर रहा था उसी पद पर फिर ने विभाग क्या किया, 49-50 आप लोग का प्रदर्शन जारी रह रहा है, आगे फिर आप क्या रणनीति रहेगी? मेरी रणनीति यही है जो आज से मैं यहाँ पे बैठा हूँ थाली बजाओ अभियान के तहत, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये अनशन के रूप में ये तब्दील हो जाएंगे और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे को पूरी नहीं कर दे सरकार। मंजर वसीम, उजरत भोगी अमीन, कटिहार।